लगातार कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। बता दें लॉकडाउन के बीच अब नोएडा आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि सीएम नोएडा पहुंच जाएंगे। नोएडा में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर यहां समीक्षा की जाएगी और आखिरकार वजह क्या है इसको लेकर भी जायजा लिया जाएगा। तो नोएडा के कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर दिखाई दिए हैं और कोरोना को लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है आखिर इसका भी जायजा लिया जाएगा। साथ ही जिले में कहीं भी औचक निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें कि अब तक 32 के सामने आ चुके हैं और यही सीएम योगी आदित्यनाथ की चिंता का विषय है। और इतनी चिंता सीएम योगी आदित्यनाथ को बढ़ते हुए मामलों को लेकर जिसके बाद अब नोएडा आने की उन्होंने ठानी है और नोएडा अब से कुछ देर में पहुंच जाएंगे जहां पर औचक निरीक्षण कहा जा रहा है कि कहीं भी कर सकते हैं। साथ ही तैयारियां किस तरह से है, अधिकारी का काम कर रहे हैं क्या, वो तमाम पूरी व्यवस्थाएं हैं, इनका भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से नोएडा में अकेले 32 मामले सामने आए हैं वो एक गंभीर विषय, गंभीर यहां पर बन गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए और इसी को लेकर वो फिलहाल एक्शन मोड में है। और अब तक देखा था कि लखनऊ में तमाम इंतजामों को वो देख रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब मामले सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं, कहां चूक हो रही है इसको लेकर वो खुद सुनिश्चित करना चाहते हैं और खुद इसकी समीक्षा भी करेंगे। और गिरीश नारायण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गिरीश, अब से कुछ ही देर में पहुंचने की बात यहां सामने आ रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच जाएंगे, क्या क्या उनका कार्यक्रम है, कहां कहां जाएंगे और कैसे अधिकारियों से वो यहां पर रिपोर्ट लेने वाले हैं? जी निश्चित तौर पर जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बात करें नोएडा की तो नोएडा नंबर वन पर बना हुआ है क्योंकि लगातार यहां पॉजिटिव केस आते जा रहे हैं। 32 के आसपास जो पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है जिसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद ही गंभीर हैं और लगातार वो अपनी बातों के जरिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो नोएडा है एक औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, तो उसको लेकर करीब 1 बजे के आसपास सीएम नोएडा पहुंचने वाले हैं और जो तमाम इंतजाम हैं और जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं। जी कितना वक्त बताया जा रहा है गिरीश जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे? जी जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि करीब 1 बजे के आसपास सीएम यहां पर पहुंचेंगे और ग्रेटर नोएडा की जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है वहां पर वो उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। उसके बाद जो तमाम आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, शेल्टर होम बनाए गए हैं लोगों के रुकने के लिए, उनका निरीक्षण करेंगे। चलिए धन्यवाद फिलहाल आपका गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।